गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास. आई होप यू मस्ट हैव ऑल सीन द एनिमेशन वीडियो जो मैंने कल आपको वीडियो भेजा था फॉर द चैप्टर फोर्थ रोबोट्स डोंट लाई. आपने सबने देखा होगा और आपको कुछ समझ भी आई होगी स्टोरी. और मैंने आपको पीडीएफ फाइल भेजी थी, वो भी आपने पढ़ी होगी. पूरा चैप्टर था उसे. तो चलो लेट्स टुडे स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर रोबोट्स डोंट लाई. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि आर ओ बी ओ टी एस इसको बोलते कैसे हैं. रो बॉट, रो बॉट्स. तो यू हैव टू से इट प्रॉपरली. रो बॉट्स, रो बॉट्स डोंट लाई. नाउ व्हाट डू मीन बाय लाई? लाई का मतलब क्या होता है? लाई का मतलब होता है झूठ. डोंट का मतलब नहीं. तो जो रोबोट्स हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं. तो जो हमारी पूरी स्टोरी है वो इसी पर बेस्ड है. तो एक्चुअली में रोबोट्स होते क्या हैं? आई थिंक आप सबको पता होगा, आपने कार्टून्स पे देखा होगा या मूवीज में देखा होगा, मैगजीन्स में पढ़ा होगा. तो रोबोट्स आर व्हाट? रोबोट्स आर मशीन्स दैट आर प्रोग्राम्ड टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क और फंक्शंस. एक ऐसी मशीन है जो बहुत सारे काम कर सकते हैं, बहुत सारी हमारी हेल्प कर सकते हैं. और आजकल तो फैक्ट्रीज में और अदर मैकेनिकल एरियाज में भी वो काम कर रहे हैं. और ऐसा माना जाता है, इट इज थॉट, कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो लोग हमारी तरह सोच भी सकेंगे, हमारी तरह काम भी कर पाएंगे. तो लेट अस सी कैसा होता है वो टाइम जब आएगा. तो नाउ लेट अस स्टार्ट विद आवर चैप्टर रोबोट्स डोंट लाई. जैसा आपने पढ़ा होगा, ये स्टोरी है हमारे एक रोबोट मनकू, या आप देख सकते हैं मनकू और अजय के बारे में. अब क्या है स्टोरी आपकी? तो जो अजय था, अजय के घर में एक रोबोट था मनकू. और ये जो मनकू रोबोट था, ये बहुत अच्छा रोबोट था और ये कभी झूठ नहीं बोलता था, हमेशा सच बोलता था. लेकिन अजय, जैसा कि सब बच्चे करते हैं ना कभी कभी, शायद आपने भी किया होगा, कि पापा पूछ रहे हैं कि बेटा होमवर्क कर लिया आपने, और आपने क्या बोला होगा? हाँ मैंने तो कर लिया. लेकिन असली में आपने क्या किया होगा? आपने नहीं करा होगा. ऐसे ही अजय के साथ होता था. उसके पापा कुछ पूछते थे तो वो झूठ बोल देता था. लेकिन जो मनकू रोबोट था वो क्या करता था? करेक्शन, यू आर इन एरर. एरर क्या होता है? मिस्टेक. यू आर मिस इन्फॉर्मिंग योर फादर, योर होमवर्क हैज नॉट बीन डन. एरर, एरर. अब आपको पता है एरर वर्ड, या आपने बहुत बार देखा होगा अपने मोबाइल फोन्स में भी, कंप्यूटर्स में भी. एरर का मतलब है मिस्टेक, गलत इन्फॉर्मेशन. तो रोबोट, नेचुरली रोबोट एक मशीन है, अगर उसको कोई गलत चीज़ सुनाई देगी या दिखाई देगी तो वो बोलेगा. जब भी मनकू झूठ बोलता था तो जब भी अजय झूठ बोलता था तो मनकू उसको करेक्ट करता था और बोलता था कि यू आर इन एरर, आप मिस्टेक कर रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो. तो ये सुनकर जो अजय था उसको हमेशा बुरा लगता था, उसको गुस्सा भी आ जाता था कि मनकू तुम क्या कर रहे हो, स्टॉप इट मनकू, हर चीज में मेरे तुम टांग अड़ाते हो, क्यों आते हो बीच में. तो मनकू बोलता था, नहीं ये तो मेरी ड्यूटी है कि घर के अंदर जो भी हो रहा है मैं उसको सच्ची से सबको बताऊं और मैं सारे घर के काम में हेल्प करूं. तो इसी तरह से क्या होता था, उसके फादर को पता लग जाता था सच, और उसके फादर उसको डांट देते थे और उसको बोल देते थे कि जाओ अपना प्रोजेक्ट पूरा करो या अपना कोई भी काम पूरा करो. तो ये सुनकर, ये सोचकर अजय को बहुत बुरा लगता था. तो अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन अजय के पापा तो अपने घर में काम कर रहे थे और तभी डोरबेल बजी, दरवाजे पर घंटी बजी और मनकू अपना काम कर रहा था. अब क्योंकि अजय को उसके पापा ने डांटा था और वो काम कर रहा था, तो उसने बोला कि जो भी कोई डोर पे आएगा उसको बोल देना कि मैं नहीं हूँ घर, क्योंकि अगर मैंने फिर कुछ झूठ बोला तो फिर से वो पापा को जाकर बता देगा. लेकिन मनकू जो था उसने क्या बोला, ऐसा कैसे कर सकता हूँ, अजय तो घर में ही है, वो झूठ क्यों बोलेगा. तो अजय ने उसको ये मैसेज दिया कि जाओ तुम बोल कर आओ मैं घर में नहीं हूँ. और वो जब वो देखने जाता है तो क्या बोलता है मनकू, मनकू बोलता है कि नहीं आप घर में नहीं हो, उसको देखकर ही बोलता है. तो अब डोरबेल दोबारा से बजने लगी है, अजय को गुस्सा आ रहा है और उसकी मम्मी भी, उसके पापा भी जो घर में थे वो
बोल रहे हैं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, जो मनकू है वो डोर क्यों नहीं खोल रहा, व्हाई ही इज नॉट आंसरिंग द डोर बेल। अब जो आपका जो मनकू है, अब मनकू तो सच ही बोलता है हमेशा। अब अजय जो है, अजय बोलता है कि आई एम गेटिंग सिक ऑफ यू, मैं तुमसे परेशान हो गया, यहां पर मेक मी सिक। क्या बोल रहा है? ओ रियली, यू मेक मी सिक मनकू। मेक मी सिक का मतलब होता है कि तुम मुझे परेशान करते रहते हो। सिक का वैसे मतलब तो क्या होता है? बीमार होना। अब जो मनकू है उसको ये लगा कि अजय तो बीमार है, तो उसने बोला सिक, शैल आई कॉल अ डॉक्टर। अजय इससे और गुस्सा हो गया, उसको और बुरा लगने लगा कि जाओ तुम डॉक्टर को मत बुलाओ, तुम जाकर पहले डोर तो खोलो। तो मनकू ने क्या बोला? ओके, ऑर्डर रिसीव्ड सर, कमांड बीइंग प्रोसेस्ड सर। अब जैसे ही दरवाजा खुलता है तो मनकू क्या देखता है? मनकू को उसका दोस्त तारिक नजर आता है। उसने तो सोचा था कि दिनेश आएगा, पर वो तारिक था। तो जब तारिक आता है तो कहता है ओके आई वॉज गेटिंग वेरी बोर्ड, अच्छा हुआ तुम आ गए। तो तारिक को, तारिक ने अजय से पूछा आरंट यू वेल अजय? नो नो आई एम फाइन। अजय ने क्या बोला? नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल सही हूँ, मुझे क्या हुआ है?